वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से प्लेन पराठा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम पंजाबी सब्जी के साथ पराठा या नान खाते हैं, तो आज हम गेहूं के आटे से ये जो सादा पराठा आता है वो बनाएंगे और इसकी रेसिपी देखेंगे। तो इसके लिए मैंने जो गेहूं का आटा आता है, नॉर्मली हम चपाती के लिए जो लेते हैं वही आटा लिया है, और मैंने 300 ग्राम आटा लिया है। आटा गूंदने के लिए पानी लेंगे और आटे में जो हम पराठा बनाएंगे तब बीच में डालने के लिए घी लेंगे और तेल लेंगे। तेल हम पराठा सेकने के लिए भी लेंगे और आटे गूंदने के लिए भी लेंगे, और स्वाद अनुसार नमक लेंगे। अभी मैंने आटा ले लिया है और इसमें मैंने नमक डाल दिया है। बीच में मैं ऐसा करके फिर इसमें 1.5 टेबल स्पून जितना तेल डाल लूँगी। तेल डालने के बाद मैं हाथ से अच्छे से सब मिक्स कर दूंगी। इस तरह से सब अच्छे से मिक्स करके बाद में हमें आटा गूंदना है। इस तरह से हमें तेल डालना है। आप अपने गेहूं के हिसाब से भी तेल कम या ज़्यादा डाल सकते हो। कई गेहूं में तेल ज़्यादा लगता है, कई में कम लगता है, तो आप अपने हिसाब से तेल डाल सकते हो। अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटा गूंद लूँगी और अच्छे से हमें आटे को मसलना है, जिससे हमारे पराठे अच्छे से सॉफ्ट बने। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है और ये आटा हमें रोटी से थोड़ा हार्ड और भाकरी से थोड़ा सॉफ्ट बनाना है। आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है, तो मैं 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही आटे को मसल लूँगी। अभी आटा अच्छे से गूंद चुका है तो मसल लिया है मैंने, तो मैंने थोड़ा तेल डाल के फिर 1-1.5 मिनट तक ऐसे ही मैं आटे को मसल लूँगी। 1-2 मिनट के लिए हमें ऐसे मसलना है, जिससे हमारा आटा अच्छे से चिकना हो जाए। आटे को मसलने से हमारे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरह से हमें आटे को गूंदना है। अभी हमारा आटा रेडी हो चुका है, तो मैं ढक्कन ढक के फिर 1/2 घंटे के लिए आटे को ऐसे ही छोड़ दूंगी। 1/2 घंटा हो चुका है और हमारा आटा अच्छे से रेडी हो चुका है। हाथ से मैं फिर से मसल के इसकी छोटी छोटी लोई बना लूंगी। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी लोई बना सकते हैं। आपको जितना बड़ा पराठा चाहिए इस हिसाब से आप बना सकते हो। इस तरह से मैंने लोई कर दी है। अभी मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है और उसके ऊपर घी भी गरम करने के लिए रख दिया है। अभी मैंने गेहूं का सूखा आटा लिया है और इसमें मैं ये लोई को इसमें कोट कर लूँगी और इसे रोटी की तरह हमें बेल लेना है। इस तरह से मैं रोटी की तरह पराठा बेल लूँगी और जो हमने घी गरम किया है ये हमें बीच में लगाना है। उंगली से मैं सभी और घी को लगा लूँगी और बीच में सूखा गेहूं का आटा जो है वो लगा लूँगी, फिर इसे फोल्ड करके फिर से घी लगा लूँगी। फिर से सूखा गेहूं का आटा लगा लिया है मैंने और इस तरह से फोल्ड करके फिर से इसे गेहूं के आटे में लपेट के फिर से हमें इसे ट्रायंगल शेप में बेल लेना है।
तवा भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसे हमें बहुत मोटा नहीं रखना है, थोड़ा पतला ही रखना है। रोटी से थोड़ा मोटा और भाकरी से थोड़ा पतला रखना है। पराठा अच्छे से बेल चुका है, आप देख सकते हो। इस तरह से हमें बेलना है और इस तरह से हमें पतला ही रखना है। अभी मैं धीरे से इसे तवे पे रख दूंगी और स्लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है। स्लो फ्लेम पे पकाने से पराठा हमारा अच्छे से सिकता है और एकदम अच्छा बनता है। अभी दूसरी ओर भी हमारा पराठा सिक चुका है, तो मैं 1 टीस्पून जितना तेल डालूंगी ऊपर। आप घी भी डाल सकते हो। और दोनों साइड से मैं अच्छे से पराठे को सिक लूंगी। ये पराठा बहुत ही सॉफ्ट बनता है, तो छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग जो हमारे घर में होते हैं वो भी इसे अच्छे से खा सकते हैं। एकदम अच्छा पराठा हमारा सिक चुका है। मैं इस तरह से जो होल वाली प्लेट आती है इसमें मैं इसे ले लूँगी और दूसरा पराठा भी मैं ऐसे ही बेल लूँगी, आपको मैं बता दूँगी। इस तरह से मैं दूसरा पराठा भी ऐसे ही बना लूँगी और सभी पराठे भी ऐसे ही हमें बनाने हैं। आप पराठे घी में भी सेक सकते हो। मैंने यहाँ तेल से सिका है, लेकिन कई लोगों को घी पसंद हो तो घी से भी आप बना सकते हो। इस तरह से हमें ट्रायंगल शेप में पराठे को बेलना है और इसी तरह मैं सभी पराठे बना लूँगी। इस तरह से सभी पराठे तैयार हो चुके हैं और इसे मैंने सर्विंग प्लेट में ले लिया है। तो आप भी बनाइए ऐसे पराठे। और ये पराठे हम पंजाबी सब्जी के साथ और नॉर्मल सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। आप देख सकते हो एकदम अच्छे से लेयर लगे हैं इसमें।